हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक व्रत का स्पेशल नाश्ता जो बनता है कच्चे आलूओं से। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। हमने लिया है जीरा, जिसे हमने धोलकर छन्नी में छान लिया है। उसके बाद हमने लिया है कच्चे आलू। कच्चे आलू को हमने धोलकर उसके बाद उसके छिलके उतार दिए हैं, फिर वापस से भी धुल लिया था। उसके बाद हरी मिर्च लिया है, जिसका हमने चीरा लगा लिया और थोड़ी बहुत काट भी ली है। और उसके बाद लिया है मूँगफली, मूँगफलियों को हमने धुल लिया है। अब आलू को काट लिए हैं। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इस कढ़ाई में तेल गरम करते हुए फ्लेम को मीडियम रखेंगे या फिर लो भी रख सकते हैं। और धीमी आंच पे आप मूँगफलियों को भूनिए, जिससे मूँगफली जो होगी ना वो क्रिस्पी हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। और तो चलिए देखते हैं मूँगफलियों में क्रंच ले आते हैं। तो मूँगफलियों को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। तो चलिए भूनना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी मूँगफलियाँ फ्राई होनी स्टार्ट हो गई हैं, जिन्हें हमें मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। तो ये देखिए हमारी मूंगफली भून रही है। और ये पता है इतनी आसानी से बन जाती है ना कि क्या बताएं, मतलब जैसे कच्चा आलू लो और तुरंत कट करो और तुरंत बन जाती है। तो देखिए हमारी मूंगफली भून रही हैं और लगभग लगभग भून चुकी हैं। तो देखिए अभी चलिए थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनते हैं। तो उसके बाद बस हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आलूओं को काट लीजिए और उसके बाद ये मूंगफली ले लीजिए, मिर्च ले लीजिए। और आप चाहें तो इसमें आप जैसे क्या कहते हैं लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अपने तीखे के अकॉर्डिंग। ज़रूरत नहीं है कि व्रत में ही बनाइए, आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं। देखिए हमारी मूँगफली भून चुकी है, हमने कटोरी में निकाल लिया है। अब चलिए इसको बनाते हैं। हमने यहाँ मिर्ची लिया था जिसे चीरा लगाया था, अब इसे हम फ्राई करेंगे और इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने मिर्ची निकाल लिया था। अब उसी में थोड़ा सा और तेल डालेंगे और तेल में हम डालेंगे जीरा। तो ये हमारा जीरा भी चटकने लगा है। तो जब जीरा थोड़ा सा भून जाए तो इसमें हम डालेंगे आलू को। तो जीरा भून चुका तो अब इसमें डालेंगे आलू। और ये देखिए हमने आलू डाल दिया है और आँच को हमें तेज़ रखना है, तो इसे अच्छे से भूनना है हमें। तो देखिए हमारा ये मिक्स कर दिया हमने अच्छे से, और इसको हमें तेज़ आँच करना, मतलब हाई फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। और आप इसे ढकिएगा नहीं। अब हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको तीखा खाना है। तो हमने हरी मिर्च को भी डाल दिया था। अब ये देखिए हमारे आलू नीचे से थोड़े थोड़े भुनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं इसको भुनने में कितना टाइम लगता है। बस बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये तेज़ आँच पर आपको बनाना है और ढकिएगा नहीं, ऐसे ही तेज़ आँच पर पकाइएगा। लेकिन हाँ, चलाते रहिएगा वरना ये पूरा नीचे से जल जाएगा। तो इसे हमें जलाना नहीं है, हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनना है। तो चलिए हम फ्राई करते रहते हैं ऐसे ही। ये देखिए हमारे आलू लगभग भूनने लगे हैं, तो काफ़ी हद तक भून भी चुके हैं। तो ये देखिए हमारे गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, हमें थोड़ा सा और पकाना है। तो अभी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसे पकने में, तो इसे अच्छे से चलाते रहिए आप। और हाँ, नमक उमक बिल्कुल नहीं डालना है यहाँ पे, हमें ये सब अलग निकाल के और प्लेट में डाल के तब नमक वगैरह मिक्स करना है। तो आप चाहें तो इसमें जीरा और काली मिर्च को भूनकर और उसका वो कर लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए या पीस लीजिए किसी चीज़ में। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, आलू को थोड़ा थोड़ा साइड कर लेते ताकि जो ऑयल डाले थे ना हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा, तो वो निकल जाए इसमें। अब ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है मूँगफली, और इसमें लाल मिर्च डाल दिया है और इसमें अब सेंधा नमक डालेंगे और जो हमारी खड़ी मिर्च थी वो। आप यहाँ पर चाहें तो काली मिर्च और जीरा वाला पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे हम सर्व करेंगे। आप इसको खाइए, चाय के साथ खाइए और बहुत टेस्टी लगता है। हम तो इसे चाय के साथ ही खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बनाइए, बहुत ही क्विक रेसिपी है, इसमें आलू को बॉयल नहीं करना पड़ता है। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, तो चलिए आप लोग भी बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।